नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड में लंबे इंतजार के बाद गांव की सरकार बनाने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द इसकी तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। हम आज हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत चेतनारी प्रखंड बारगो मुंडा से मुखिया कार्यवाहक जाकिर हुसैन जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया शाहिदा अंसारी हैं। तो चलिए लाइव सेशन में आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया कार्यवाहक जाकिर हुसैन से। जाकिर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क पे। जी जाकिर जी, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की ओर लेकर? बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, कार्यकाल आपका समाप्त होने को आया। चुनाव तो समाप्त होने के लिए आया, लेकिन यहाँ के हम लोग मारगो मुंडा प्रखंड के सुदूर गांव ग्राम पंचायत चेतनारी के हैं, जो कि जी यहाँ के लोग पानी के लिए बहुत समस्या जूझ रही है। जी, अभी इस वक्त भी पानी के नल जल की समस्या अभी पंचायत में है आपके? नहीं, वो पहले ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो हमारे पंचायत में थे पहले, वो कुछ वार्ड चार पांच वार्ड में पानी की व्यवस्था है, उसके बाद और किसी वार्ड में भी नहीं है। जी जाकिर जी, आपके इसमें कितने जल मीनार लगे होंगे पंचायत में? हमारे पंचायत में 3 जल मीनार लगे हैं। जी, और कितनी जरूरत कितनी है जल मीनार की? जरूरत तो सभी में 10 से 12 आवास, ये आपका जल मीनार की जरूरत है। जी, मतलब पानी की भी बहुत असुविधा है पंचायत में। जी, और आवास योजना की क्या स्थिति है, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला है? आवास में करीब वही 400 कुछ प्लस लोगों को आवास मिली, और अभी 300 से 400 लोगों की बहुत जरूरी है आवास भी। जी, ना 50% के करीब में काम हुआ है आवास और जल में, और 50% अभी अधूरा रहा है। ये पंचायत चुनाव, स्वास्थ्य केंद्र पे क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं मुखिया जी? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पे। तो लोगों का इलाज कैसे होता है इस वक्त, इलाज की क्या व्यवस्था है, कहाँ जाना होता है लोगों को? यहाँ से मधुपुर जाना पड़ता है या कोरों जाना पड़ता है, मारगो मुंडा जाना पड़ता है। तो असुविधा होती होगी, तो फिर सरकारी पंचायत में लोगों को ये सुविधा मिले, इस पे कोई पूर्व में आवेदन वगैरह दिया है आपने? जी, आवेदन के लिए तो हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बड़ी असुविधा है आपके पंचायत की। शिक्षा का क्या माहौल है, वहाँ पर क्या व्यवस्था है? शिक्षा का व्यवस्था तो कोरोना काल में 2 साल से स्कूल तो बंद ही रहा, अभी एक सप्ताह से स्कूल चल रही है, बच्चे के भविष्य तो खराब हो ही गई है। जी, तो मतलब स्कूल में भवन वगैरह सारी व्यवस्था, पीने की पानी है, सभी जगह मौजूद है स्कूल में? हमारे पंचायत में हाई स्कूल का भी ये बिल्डिंग बने हुए, लेकिन आज तक ना वहाँ कोई शिक्षक है ना कोई है, सब वही जो पहले पूर्व में जो शिक्षक है वही शिक्षक लोग चला रहे हैं। जी, तो ये बड़ी बड़ी समस्या आप बता रहे हैं कि शिक्षा का माहौल सही नहीं है पंचायत में। जी, और बिना शिक्षा के तो फिर पंचायत का विकास बहुत अवरुद्ध हो रहा होगा आपके पंचायत में। बिल्डिंग तो बड़े बड़े बना देते हैं सरकार, लेकिन शिक्षा की कोई ये नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बताइए, आपके यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय कितना निर्माण हुआ होगा? शौचालय करीब वही 800 करीब लगभग निर्माण हुआ था। जी, और राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम जुड़ा है इस बार? इस बार राशन कार्ड सरकार आपके द्वार में करीब वही उससे पहले जो है 200 करीब राशन कार्ड में नाम जुड़े हैं। अब उन लोग का ये बोलता है कि चार ही फ्री चावल मिलता भी नहीं है ग्रीन कार्ड में। जी, तो इसके लिए कहीं पर आपने शिकायत नहीं किया ऊपर में अधिकारी ब्लॉक स्तर पर? दिए, बोला कि ऊपर से आदेश जैसे होगा हम लोग फिर उसमें शामिल करेंगे, इस तरह का कार्रवाई चल रहा है अभी तो। जी, तो अधिकारियों की उदासीनता है दिख रही है पंचायत में आपके इस तरीके की मूलभूत समस्याओं के लिए असुविधा है लोगों को। तो कोई सुविधा ऐसा बोल के नहीं है, जितना लोग हम लोग जहाँ तक प्रयास करते हैं वो काम हो पाता है, उसके बाद आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। जी, लोगों में भी काफी इसको लेकर के ना खुशी होगी। जी,
लोग जनता चाहते हैं कि सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन उस पर अगर नज़र से दिखाए उसमें कहीं कुछ नहीं मिलता है। जी जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? हमारे जान सरकार से इस तरीके की जो पंचायत में आपकी व्यवस्था है, सरकार से क्या मांग? सरकार से जिस तरह का सरकार अपना व्यवस्था दे उस तरह का व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं। धरातल पर जिस तरह विकास हो उस तरह का होना चाहिए, मांग मेरा यही है। शिक्षा का संबंध में हो, शौचालय का संबंध में हो, पेयजल के संबंध में हो, या अभी राशन कार्ड का संबंध में हो, आवास का संबंध में हो, सभी समस्या है। जी जी, ये पेंशन का समस्या इस बार निदान हुआ है सरकार आपके द्वार में, जितने भी लोग आए विधवा विकलांग सवाली जितना भी है सबका। कितने लोगों को मिल रहा है पेंशन इस बार? पेंशन इस बार पुराना नया मिला के 464 लगभग का अभी मिल रहा है। जी, तो मुखिया जी इतनी सारी असुविधाओं के बीच भी आप अपने तरीके से पंचायत के विकास का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर लोगों से, क्या अपील करेंगे? क्या हम तो चाहते हैं कि सरकार इस पर जितना जल्द से जल्द चुनाव हो, जो कि गांव का सरकार बने और गांव का सरकार चलाए। जी जी, लोगों से क्या कहेंगे चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र की जनता को? लोगों से यही कहना है मेरा कि जनता इस बार अगर फिर मौका दिया तो सरकार से जितना भी हो उम्मीद उतना हम लोग फिर विकास का काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग काम अभी 15वीं 14वीं में काम किए हैं, ये पेवर ब्लॉक, पीसीसी, नाली, जल नल, आपका स्ट्रीट लाइट, जो भी था काम हम लोग कर काम किए हैं। उसके बाद 2 साल से तो काम हो नहीं पा रहा है, उसके बाद 1 साल से तो ये समस्या है कि हम विकास ही नहीं हो पा रहा, कि चुनाव होगा चुनाव भी नहीं हो रहा, ना आगे हम लोग कोई काम कर पा रहे हैं खुल करके। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी, बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस पंचायत में जो आप असुविधा बता रहे हैं उस पर ध्यान दें, जिससे कि पंचायत का विकास हो। रोड नाली का तो समस्या यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ का समस्या पानी का है। यहाँ ड्राई जोन पर है, पानी कहीं भी बोरिंग करते हैं लोग, पर्सनल बोरिंग करते हैं, तो पानी का सुविधा यहाँ किसी का मुहैया नहीं हो पाती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुख्य कार्यवाहक जाकिर हुसैन, जिन्होंने बताया कि पंचायत में अपने कार्यकाल में विकास के प्रयास तो किए, बहुत सारे कार्य किए, लेकिन अभी भी पंचायत में बहुत सारी असुविधाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या आवास के क्षेत्र में हो, या नल जल की सुविधा हो, हर अभी भी बहुत परेशानी बाकी है। 50% के करीब ही काम हुआ है, बहुत सारे कार्य अधूरे रह गए। उन्होंने कहा कि सरकार भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, हम अपने ऊपरी स्तर पर शिकायत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने लोगों से अपील करता हूँ कि अगर लोग मुझे दोबारा चुनेंगे अपना जनप्रतिनिधि, तो मैं इस पंचायत के विकास के लिए सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाऊंगा, उनकी मांगों को पहुंचाऊंगा, और इस पंचायत के विकास के लिए जो हो सके वो प्रयास करूंगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।